एनबीसी न्यूज चैनल और हिंदी दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार द्वारा पर्यावरण और सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से की गई है, जिसके तहत राष्ट्रसंत तुकड़ोजी चौक से क्रीड़ा चौक तक के रास्तों के डिवाइडर के बीच में पेड़ लगाकर तिरंगे की तीन रंगों से विद्युत रोशनाई से सौंदर्यीकरण किया गया है। ये काफी काबिले तारीफ है। इस उपक्रम को बीसी न्यूज चैनल और हिंदी दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार की ओर से जारी की गई है। साथ ही ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, ऐसी अपेक्षा जिलाधिकारी आर विमला ने बीसी न्यूज चैनल और दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ ही साथ आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुकड़ोजी स्क्वायर से क्रीड़ा चौक तक ये जो लाइटिंग और हरियाली आप देख रहे हैं, वो हमारे एनबीसी न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार के CMD माननीय सिराज शेख इनके सहयोग से ही किया गया है। ये हरियाली और रोशनाई आगे भी निरंतर आपके लिए ऐसी ही यूं ही बरकरार रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथ ही इस दौरान हमारा आप जनता से भी वादा है कि इस हरियाली को यूं ही बरकरार रखने में हमें सहयोग करें। नमस्कार। नमस्कार, मी आर विमला, नागपूरची जिल्हाधिकारी बोलत आहे आणि आपल्याला अमृत महोत्सवाचा स्वतंत्रता दिवसाचं मनपूर्वक शुभेच्छा देते। भारताचे आपण नागरिक आहोत आणि जे स्वतंत्रता आपल्याला परिश्रम करून आपल्या थोर व्यक्तींनी मिळवून दिलेलं आहे, फाळणीचीही आपण आठवण करू, ते स्मृती दिन म्हणून साजरा करून उद्याचा दिवस 15 ऑगस्ट खूप गौरवाने आणि अभिमानाने साजरा करू। आपल्या सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा। बीसीएन न्यूजची मी खूप आभारी की त्यांनी तुकडोजी चौक ते क्रीडा संकुलापर्यंत जे रोषणाई केलेली आहे तिरंग्याची, त्याच्यामुळे आपल्या ह्या रस्त्याचं एक खूपच सुंदर वेगळं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळालं आहे आणि तिरंगाची शानसुद्धा आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळाली। मी त्यांचे खूप मनपूर्वक आभारी आहे आणि असंच त्यांचं सहकार्य पुढे लाभू दे अशी शुभेच्छा त्यांना देते। खूप खूप धन्यवाद।